नमस्कार दोस्तों, मंगल एग्रोफार्म में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चूजे हैं, ये अभी 6 दिन के हैं और इनकी ग्रोथ आप अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छी है। ये हम लोगों ने 6 दिन पहले डाले हैं। ये वीडियो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जैसे गर्मियों के दिन हैं तो इनको कौन से किसी भी प्रकार की लाइट देने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी लाइट जो है वो बंद है। हम लोग ज़्यादा तो मुर्गी के बच्चे जो है ज़्यादा तो समर में ही डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 36 के ऊपर ही टेम्परेचर होता है, तो इस मौसम में जो चूजे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। सिर्फ साइड से जो है हम लोगों ने सिर्फ कपड़ा लगाया है, शेड बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए अंदर का जो टेम्परेचर है वो जैसे चिक को चाहिए उतना ही रहता है। और ऐसे ही समय में चिक्स जो है वो ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। जिनके पास लाइट की समस्या है तो वो लोग ऐसे सीज़न में चिक्स डाल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ठंडी में चिक्स डालते हैं और उसी टाइम लाइट जो रहती है तो वो बहुत इनको ज़्यादा देनी पड़ती है। और जैसे ही समर आता है तो गर्मी के दिन में लाइट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लाइट में भी ये बच्चे अच्छे तरह से रह सकते हैं। हम लोग हर 15 दिन बाद अभी यहाँ से आगे बैचेस डालेंगे, 1000-1500 की जो बैचेस है वो डालते रहते हैं, ताकि अभी डाले हुए चिक्स ये ठंडी के मौसम में सेल के लिए आते हैं। और हम लोग ज़्यादा तो इसको अंडे पे रखते हैं और बीच में जैसे ही कोई लेने के लिए आता है तो उसको दे देते हैं। इसी तरह से हम मंगल एग्रो फार्म पे यही शेड्यूल रखते हैं कि जैसे समझो अभी ये 6 दिन के बच्चे हैं और कोई इनको लेना चाहता है तो भी हम लोग उसको दे देते हैं। और हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते, जो भी आके लेके जा सकता है उन्हीं लोगों को हम लोग अभी चिक्स दे रहे हैं। तो अगर किसी को ये चिक्स चाहिए होंगे तो आप ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स जो है वो गर्मी के दिन में हमारे यहाँ तो अच्छे रहते हैं, बाकी जगह का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो एकदम चुस्त फुस्त ये चिक्स है और इनको पंख भी अच्छी तरह से आ रहे हैं, तो ज़्यादा दिन ब्रूडिंग करने की इसको ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी पंख आता है उतना जल्दी इनका ब्रूडिंग जो है वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब चिक्स को पंख आ जाते हैं तो उसको ब्रूडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरीके से हम लोगों का ये बैच है। अभी एकदम यहाँ से आगे जो है बैचेस डालना चालू हो जाएगा और जैसे ही नया नया कुछ करते हैं तो हम लोग जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।